इसको एडिट करेंगे बाद में आप थोड़ा सा थोड़ा बहुत नहीं, ये तो नॉन स्टॉप जाएगा, अब इसको बाद में वो एडिटर करेगा, एडिटर हाँ। मैं तो मतलब मेरा तो बाद में एडिटर करेगा, मेरा कोई टेक नहीं रहेगा। अच्छा ओके सर, जैसे कि बैंक चोर का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आप गाना भी गाते हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या क्या जानना चाहेंगे थोड़ा उसके बारे में। आई थिंक ये जो गाना है बैंक चोर का, तशरीफ जो गाना है, ये टिपिकली एक नॉन बॉलीवुड जिसे कह सकते हैं सॉन्ग है, एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स जिन्होंने ऐसा गाने के पहले तो ब्रीफ दिया और जिन्होंने ऐसा गाना एक्सेप्ट करके उसको रिलीज़ किया है। सो ऐसे बहुत कम मौके हमको मिलते हैं कि यू नो ऐसे ब्रीफ्स आते हैं, सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ ब्रीफ्स, एंड जो कि थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने का जोन हो और मौका दें कुछ कुछ नया करने का। ओके, लग गए तशरीफ, इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से एक गाना, मतलब काफ़ी एक अलग ही तरीके का एक गाना है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। सो इसका ब्रीफ सिर्फ दो शब्दों में था कि एक ऐसा गाना होना चाहिए जो कि एक कॉमन मैन रिलेट कर पाए और एक जो कंप्लीट लूज़र है उसका एंथम हो कि यू नो हम हर एक हमारे कहीं ना कहीं यू नो मकाम में, चाहे हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हों, बट एक ज़िंदगी के एक सफ़र में एक तशरीफ़ ज़रूर लगती ही लगती है, तो उस मोमेंट से रिलेट करता है ये गाना। एंड ये गाना जब लिखा था तो ब्रजेश हीट जी जो एक्टर हैं, जो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं एंड थिएटर भी करते हैं, सो वो मेरे साथ बैठे थे जब ब्रीफ आया था। सो आई नरेटेड हिम कि ब्रीफ क्या यार, ऐसा कुछ तो अलग सा ब्रीफ है और बड़ा मज़ा आने वाला। तो कहते हैं यार कि तशरीफ़ के बारे में ना बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हुई हैं कि तशरीफ़ रखिए और बड़े अदब से यूज़ किया जाता है, बट उसके सही कॉन्टेशन किसी ने यूज़ नहीं किया, सो व्हाई डू यू मेक अ सॉन्ग ऑन दैट, यू नो। सो वी जस्ट लाफ्ड अवे। तो उसके बाद मैंने अपने राइटर से बात की, अधीश से, कि यार ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। सो ही केम अप विद दिस दीज वर्ड्स एंड देन वी मेड दिस सॉन्ग। ओके, और किस तरीके से आपने, मतलब जैसे कि हमने गाना जो सुना है तो एक अलग ही तरीके का उसमें म्यूजिक है एंड जो उसकी जो लिरिक्स हैं जैसे कि आपने बताया, सो क्या क्या मतलब किस तरीके से उसकी जो ट्यून्स बनाई आपने और जो उस पर काम किया, तो मतलब क्या डिटेलिंग गाना का चैलेंजिंग था ये गाने का। एक गाना अगर बनना होता है तो 10 मिनट भी बन जाता है, अगर नहीं बनना होता है तो 2 महीने भी लगते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज दैट यू आर पुटिंग इन। सो इस गाने में 2-3 दिन के अंदर अंदर जो था पूरा प्रोसेस ख़त्म कर दिया था हमने कंपोज करने का। उसके बाद यू नो वी वर लिरिक्स में हम टू एंड फ्रो कर रहे थे। सो जो पहला ख्याल था इस गाने का वो मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट में आया था तशरीफ के ऊपर बैठे बैठे। सो यू नो जो पहली ट्यून थी वो वहाँ पर आई थी, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम जहाँ आपको बहुत से आइडियाज़ भी आते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन द लू। सो दैट इज़ माय बेस्ट स्पेस जहाँ पर मैं बहुत सी अच्छी कॉम्पोजिशंस पानी दरंग से लेकर तशरीफ तक वो मेरे को लू में आई है, मतलब जो फर्स्ट इनिशियल थॉट्स हैं। ओके, देखा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा करीब कौन सा सॉन्ग मानते हैं, कौन सा म्यूजिक मानते हैं अब जो आपने दिया है, जैसे पानी दा हो गया वो भी मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसमें म्यूजिक हो चाहे गाना हो, आयुष्मान ने बहुत अच्छा गाना गाया था उसमें, तो और आपके जो गाना है तो आपके सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है वो? आई थिंक एक गाना आयुष्मान के साथ ही किया था कॉल्ड मिट्टी दी खुशबू, वो मेरा बहुत दिल के करीब का गाना है, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था और यू नो आई वाज मिसिंग होम, सो ये तब की कहानी है कि ये तब यू नो आई रोट दिस सॉन्ग, एंड इट वाज वेरी रिलेटेबल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जब भी बारिश होती है तो वो एक मिट्टी दी खुशबू जो है वो आती ही आती है, सो आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग, और मेरे को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। ओके सर, जैसे तशरीफ लगी के बारे में बात करें तो और क्या क्या, मतलब बॉलीवुड से क्या क्या रितेश एंड विवेक ने क्या बोला कि गाना यार इस तरीके का बनाया, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी क्योंकि अभी हम जब भी जो भी प्रमोशन में देख रहे हैं तो सिर्फ एक यही गाना सुन रहे हैं, हाँ। लग गए तो उसके बारे में बताइए थोड़ा रितेश वाज रियली एक्साइटेड। अभी अभी बीच में एक रोस्ट भी हुआ था तो उसमें भी हमने वो देखा, हमने आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ लगाइए इस तरीके से। सो आई थिंक ये एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, सो दैट्स व्हाई यू नो द सॉन्ग इज बीइंग प्रमोटेड आल्सो वेरी वेल। मेरे को याद है कि हमने एक कप्स वर्जन करना था विवेक के साथ और जो दो एक्टर्स हैं भुवन एंड आई थिंक विक्रम थापा उनका नाम है, सो दो एक्टर्स रितेश के साथ हमने एक कप्स का वर्जन करना था और हमने शूट करना था। तो वो उसके रिहर्सल में
हमें कुछ मेरे को बोला गया कि 2-3 दिन लगेंगे रिहर्स करने में, बट रितेश वॉज सो क्विक दैट यू नो ही पिक्ड अप द कप्स का बीट इन से 2 or 3 hours, एंड वो 5-6 rehearsals में यू नो वी वर गुड टू गो विद दैट सॉन्ग. एंड वो एक क्वेश्चन यशराज ने निकाला भी है जिसमें कि हम चारों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एक लाइव कप्स के ऊपर यू नो वी आर जैमिंग टुगेदर, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. एंड रितेश पर्सनली ही लव्ड द सॉन्ग and that's why you know he's very fond of it and he's promoting it himself wherever he's going. Yeah. Okay, real life mein jaise humne dekha to tashreef kitni lagi hai wo humne dekha hai. Kabhi real life mein kabhi aisa hua hai, kabhi lagi hai kabhi tashreef roz lagti hai. Sabse zyada memorize kaun si zyada tashreef hai aapki? I think jab hum ek gana banate hain aur jab gana you know ek process hota hai uske approval ka, because दो टाइप के कॉम्पोजिशंस यू नो या दो टाइप का म्यूज़िक है, या एक म्यूज़िक कंपोजर जो बॉलीवुड के लिए काम कर रहा है उसके दो टाइप की स्ट्रगल्स हैं कह सकते हैं, कि एक तो ये कि गाना कंपोज करना और दूसरा ये है कि गाने को पहुंचाना जहां तक वो पहुंचना चाहता है, सो प्रॉब्ली यू नो टू द ऑडियंस. अब कंपोजर और ऑडियंस के बीच में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि जिनको गाना पसंद आना चाहिए, तो उन सब के अप्रूवल्स लेकर और प्लस अपना क्रिएटिव जो डिसीजन है वो सैक्रिफाइस ना करके उस गाने को रिलीज़ करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सो उस प्रोसेस में बहुत तशरीफ लगती है. ओके जैसे कि बात करी है अगर जर्नी की पानीदा से लेके अभी तक तशरीफ तक, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस जर्नी को, क्योंकि आपने आज तक जो भी बनाया है लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. आई थिंक वो वजह इसलिए भी है कि बहुत ज़्यादा गाने नहीं मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो जो काम कम कर रहा हूँ तो वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. एंड आगे भी जो आने वाले गाने हैं वो भी आई एम रियली फोकसिंग कि यू नो जो पहले आए हुए गाने उनसे बेहतरीन हों और उनसे कुछ अलग कर सकूँ. एंड आई शुड नॉट बी टाइप कास्ट इन वन काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड वन काइंड ऑफ जॉनर, सो दैट इज़ माई यू नो एवरी डे चैलेंज टू बी अ बेटर कंपोजर एवरी डे. एंड यू नो एक वो है प्लस जो जर्नी है वो तो बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं नया एक यू नो चंडीगढ़ से लड़का आया था और मेरे को कुछ भी नहीं आता था, एंड द इंडस्ट्री हैज़ एक्सेप्टेड मी सो वेल एंड गिवन मी सो मच ऑफ वर्क एंड सो मच ऑफ लव, एंड यू नो आई एम ग्रेटफुल. एंड आई रियली थिंक दैट जो भी ट्रू टैलेंट है उसको कहीं भी इंडस्ट्री जो है वो मतलब विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करने को तैयार है, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. ओके अगर जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं भी बहुत ज़्यादा गाने नहीं कर रहा हूँ और मतलब कम ही कम लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ कोई खास वजह कि आप चुनते नहीं है कि आप अपनी म्यूज़िक के बुक को लेकर बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं? नहीं, दोनों चीज़ें हैं. एक ये भी होता है कि आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी, बिकॉज क्योंकि नहीं जैसे कि मैं अगर देखता हूँ यार कि कई बार बहुत सारे सिंगर्स जो हैं जो बैक टू बैक आज एक गाना दिया देन अगले 10 दिन में फिर से दोबारा से फिर 15 दिन में फिर दोबारा, कभी कभी एक एक बार में सब हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप जानना चाहेंगे आप बहुत लिमिटेड गाने देते हैं और बहुत चुन चुन के गाने देते हैं, या सो बिकॉज ये भी है कि जो भी गाने मैं देता हूँ उनको मैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, सो अगर मैं कोई गाना कंपोज करता हूँ मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ उसको कंपोज करने में, उसको डिज़ाइन करने में उसका. और आई रियली बिलीव दैट यू नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम फोकसिंग ऑन वन सॉन्ग द रिजल्ट इज़ वेरी नाइस. मैंने किया है ऐसा भी काम जहाँ पर मैं एक बार में यू नो 5-5-6-6 गाने कर रहा था, बट देन द रिजल्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. सो अगर मेरे को खुद को खुशी नहीं मिल रही है कोई काम करने से, आई रियली बिलीव दैट यू नो उसको आराम से किया जाए. एंड प्लस दिस इज़ यू नो कंपोजिंग ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने लास्ट ब्रेथ तक करनी है, सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू नो ये 5 साल का एक गोल है या 10 साल का गोल है इसी में मैंने सारे गाने करने. सो अगर यही मेरा लाइफ का यू नो प्रोफेशन है सो वॉट इज़ द हरी, आई रियली फील दैट. ओके जैसे कि आप म्यूजिक के साथ में आप गाना भी गाते हैं, तो आगे जाके कुछ अपना म्यूजिक वीडियो या कुछ सिंगल इंगल इस तरीके का आप बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं? अभी प्लान तो नहीं कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट द सिनेरियो ऑफ सिंगल्स राइट नाउ इज, क्योंकि जब हमने मिट्टी दी खुशबू निकाला था उस वक्त सिंगल्स रिवाइव हुए थे, बट अभी बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ द यूट्यूब यू नो जो इंटरनेट ऑनलाइन की जो
अवेलेबिलिटी है ऑडियंसिस को और एक जो लहर है, तो वो बहुत सारे लोग बहुत सारे सिंगल्स निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो आई डोंट नो वेदर आई सी माई सेल्फ फिट देयर राइट नाउ और नॉट, बट येस डेफिनेटली आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिंगिंग बिकॉज आई रियली थिंक दैट यू नो आई एम सिंग स्क्रैचेज वेरी वेल, बट जब एंड आई डोंट एम टू बी अ सिंगर एज वेल, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कंपोजिंग राइट नाउ. बट कोई गाना ऐसा होता है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और एक पर्टिकुलर आवाज़ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर अगर मेरी आवाज़ फिट बैठती है तो देन यू नो आई लेट इट बी. जैसे फॉर एग्जांपल हर गली में धोनी है, मैंने बहुत लो गाया था, और अगर एक नॉर्मल कोई किसी प्रोफेशनल सिंगर को देखा जाए तो थोड़ा सा उसके लिए लो पिच थी. सो दैट्स व्हाई यू नो अगर हम गाने के पिच हाई करते थे तो उसका एक्सप्रेशन चेंज होता था. सो दैट्स व्हाई आई केप्ट माय वॉइस ओनली इन दैट सॉन्ग. एंड प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट हाउ द वॉइस इज़ बींग टेकन बाय द ऑडियंस, बाय द डायरेक्टर, वॉट इज़ द विजन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म. So it all is a collaborative decision to actually sing a song yourself or to take a singer. Okay, जिस तरीके से हमने आप देखा अभी बाहर काफी अवार्ड रखे हुए हैं, आपको काफी अवार्ड भी मिले हुए हैं, तो इस गाने के लिए भी आप कुछ अवार्ड कर रहे हैं कुछ? See, we don't, you know, हमारा काम है हर रोज नए गाने बनाना, मतलब एक हफ्ते में एक गाना मैं नया ज़रूर ट्राई करता हूँ. सो वो अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर उसमें मैं फंस जाऊँगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा. ओके, आपके लिए क्या मैटर रखता है अवार्ड और लोगों का अप्रिसिएशन? जो लोग अप्रिशिएट करते हैं अवार्ड, अगर अप्रिसिएशन मिलेगा तो अवार्ड अपने आप आएगा. सो आई थिंक पीपल्स अप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट अवार्ड. ओके, अगर अपने गाने की अगर आप दो लाइन गाकर सुना देते हैं. आई कैन सिंग पानी दा रंग फॉर यू, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां च हंजू रुड़ दे, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझणा ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझणा ना आया अखां दा नूर वेख के अखियां च हंजू रुड़ दे. ओके, इसके साथ साथ कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहें हमसे? लखनऊ सेंट्रल एक फिल्म आ रही है निखिल अडवाणी प्रोडक्शंस की, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन गाना है जो कि आई रियली होप ऑडियंस को पसंद आएगा, मेरे दिल का बहुत करीब है. उसके बाद अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो है करीब करीब सिंगल, एक इरफान खान स्टारर फिल्म है और जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है और उसमें दो रोमांटिक सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं. उसके बाद एक विधु विनोद चोपड़ा सर की का प्रोजेक्ट है जो उनकी सिस्टर डायरेक्ट कर रही हैं शैली, उसके लिए आई एम डूइंग द इंटायर एल्बम. सो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि वो काम करने का मौका भी मिल रहा है. ओके सर, जाते जाते और कुछ अगर आप दर्शकों से और अपने फैंस से कुछ कहना चाहें? यही कि यू नो आई एम रियली ग्लैड कि जो मेरा सपना था एक म्यूज़िक कंपोजर बनने का, उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑडियंसेस रिएक्शंस टू माई सॉन्ग्स. एंड अगर कुछ भी आई थिंक लगता है किसी को कि यू नो आई शुड इम्प्रूव इन माई म्यूजिक, सो आई शुड नो दैट. सो यू नो आई बी वेटिंग फॉर दैट. ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. और ओके या सर, आप बताइए आपको अच्छा लगा? सर अगर आप कुछ प्ले करके अगर कुछ विजुअल्स मिल जाते हैं इस तरीके से कुछ आप कर रहे हैं तो?
रिकॉर्ड भी आप लोग इतने हो गया? हां आजकल यार वी जस्ट नीड अ गुड माइक एंड अ गुड साउंड कार्ड दैट्स इट मिनिमलिस्टिक सेटअप है जितना चाहिए उतना ये वो भी मतलब एंबियंस काफी अच्छा है मतलब ओके जो डेकोरेट आपने कर रखा है जिस तरीके से सामने से ओपन चाहिए तो हां समझ पेड़ दिख